एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो आज मैं आपके लिए जो है एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी क्विक सी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज बहुत आए थे इसके कि आप शेयर करें किस तरह आपने बनाए हैं स्पैगेटीज़। सो आज मैं आपसे वो शेयर करूँगी। बहुत ही क्विक है और मुझे ज़्यादा जो जल्दी चीज़ें बन जाती हैं वो बड़ी पसंद है और जो मज़े की भी हैं वो उससे भी ज़्यादा मज़े की चीज़ है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। ओके गाइस, सो एक बर्तन में पहले आपने खुला पानी ले लेना है, ठीक है। जितना पानी आप ऐड करना चाहें उतना कर सकते हैं। ये जो है पानी में बॉयल तकरीबन आने लग गया। पानी में हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। और ये वाली स्पैगेटी मैंने यूज़ किया, ये मेरे पास अब मोस्टली इतनी सी ही है तो मैं इतनी सी ही यूज़ करूँगी। मे बी मैं इसे बाद में मंगवा के बॉयल करके फिर लास्ट में ऐड कर लूँ। तकरीबन हाफ पैकेट जो है स्पैगेटी ऐड कर देनी है, हाफ से कम भी आप ऐड कर सकते हैं। खैर इसको जो है हम बॉईल करते हैं और तकरीबन ये 7 मिनट में, 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है बॉईल हो जाएगी। ये थोड़ा जब नीचे जाने लगेगी इसे मैं मिक्स कर दूँगी। ये भी इसको एक दफ़ा जो है हमने मिक्स कर देना, ये जब नीचे चली जाए, ठीक है। तब इसको हमने तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए बॉयल करना है। थोड़ा सा इसमें मैं ना ऑयल भी डालूँगी ताकि ये एक दूसरे के साथ ना चिपके नहीं। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, ठीक है क्या। अब इसको जो है ना एक दफ़ा ठंडे पानी से ना हमने गुजार लेना है, ठीक है, अच्छे से। और फिर इसमें थोड़ा सा मैं अब ऑयल डालूंगी, ठीक है, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि ये आपस में दूसरे के साथ ना चिपके नहीं। पानी पहले इसका निकल जाए, ठीक है। अब ये इसमें थोड़ा सा जो है ना ऑयल हमने ऐड कर देना। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। इस तरह ना ये आपस में दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। और चिकन जो है हमें इसके लिए चाहिए है तकरीबन 250 ग्राम। ये लो जी बंद हो गया। ऑलमोस्ट ये अराउंड 230 ग्राम है, ठीक है। तो ये तकरीबन एक ब्रेस्ट पीस बनता है। 1 कप जो है हमने जूलियन कटिंग में कट कर लेना है कैप्सिकम को। 1 कप हमें कैप्सिकम चाहिए। 1 कप हमने कैरेट को कट कर लेना है। और जो है 1.5 कप जो है हम कैबेज चाहिए हमें। बाकी स्पाइसेस में जब डालूंगी मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। और हैं 4 टेबल स्पून जो है हमने इसमें ऑयल डाल लेना है, ठीक है। जो हमने 250 ग्राम लिया था इसको स्ट्रिप्स में, लंबी लंबी स्ट्रिप्स में मैंने जो है वो कट कर लिया। पहले मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो गया देन उसमें मैंने ये जो 250 ग्राम चिकन था उसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में जो है कट कर लिया था। और इससे यह है कि चिकन जल्दी जो है गल जाता है। मोटी मोटी हमने जो है चंक्स जो है नहीं डालने चिकन के, इस तरह लंबी लंबी स्ट्रिप्स बरीक बरीक डालनी है। और जैसे अब ये कलर जो अपना चेंज करने लग गया चिकन, जब ये पूरा वाइट हो जाएगा देन इसमें हम जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। चिकन का कलर अब चेंज हो गया और मीडियम फ्लेम पे हम इसमें 1 टीस्पून एंड ये हाफ टी स्पून मोर, 1.5 टीस्पून जो है हमने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच में थोड़ी सी लो करूँगी। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने इक्वल करके सॉल्ट ऐड कर देना। चिकन के कलर पे नहीं जाना क्योंकि ये जिंजर गार्लिक पेस्ट स्टोर हुई भी है इसलिए इसका कलर जो है कुछ यूँ है। अदरवाइज़ इसमें हल्दी भी थोड़ी सी डली हुई है ऑलरेडी जिंजर गार्लिक पेस्ट में, दैट्स वाई इसका कलर जो है कुछ यूँ हो गया चिकन का। ये इसमें हमने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। जब इसमें 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। अब 1 टेबल स्पून जो है इसमें मैं ये सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून हमने इसमें विनेगर ऐड कर दिया। अब इसमें इफ़ यू वांट टू ऐड हॉट चिली सॉस तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ की वैसे चिली सॉस मुझे इतनी कोई पसंद नहीं है बट स्टिल थोड़ी सी मैं ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ 1 टेबल स्पून आपने ऐड करनी है। अब इसमें हमने जो है अपनी वेजिस डाल लेनी है। अब इसमें ये 1 कप जो हमने कैरेट कट की थी वो डालेंगे। और हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बस हमने सोते कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं इसको पकाना। बस थोड़ी सी हीट लग जाए सब वेजिटेबल्स को और थोड़ी थोड़ी बस क्रंची वेजिटेबल्स को, फिर ही मज़ा आता है। तकरीबन हमने हल्की आंच पे जो है ना इसको सौते करना है। 1 मिनट हमने कैरेट को देना। अब जो है सारी जो है ना मैंने एक जैसी कटिंग की है, बारीक बारीक कटिंग, मोटी मोटी कटिंग नहीं करनी, बारीक बारीक करनी है। और कटिंग का सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं आपको, स्पेशली गाजरें कट करने के लिए ये वाला कटर, दिस इज़ बेस्ट, वेरी इजी टू यूज़ दिस वन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ कि आप वहाँ से ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। देन इसमें हम 1.5 कप जो है कैबेज ऐड करेंगे। अब तकरीबन 1 to 2 मिनट्स के लिए हमने इसको अच्छे से सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेना है, साथ में सोते कर लेना है। ठीक है, आप अलग से भी चाहें तो वेजिटेबल्स को सोते कर सकते हैं। बस हल्की हल्की क्रंची होनी चाहिए, ये ना हो के सारी सॉफ्ट हो जाएगी, क्रंची होगी तो मज़ा आएगा। 1 टीस्पून चिकन पाउडर है तो चिकन पाउडर डाल लें, नहीं तो 1 जो है हम इसमें क्यूब डालेंगे, चिकन क्यूब। ठीक है, इसको जिस तरह भी आपको ईजी लगता है वैसे डाल लें। इट्स ऑप्शनल बाय द वे, नहीं भी है तो ना आप डालें बेशक, लास्ट टाइम मैंने नहीं डाला था। अब इसमें जो है हम अपनी स्पैगेटीज डालेंगे जो हमने बॉईल की थी, क्योंकि ये भी स्पैगेटी मुझे कम लग रही है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स जो हैं वो कम होती हैं और स्पैगेटी ज़्यादा होती है और वेजिटेबल हमारी ज़्यादा लग रही है। इसके लिए जो स्पून है ना, इससे अब मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस डाल देनी और 1 टेबल स्पून जो है विनेगर। ये विनेगर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, 1 मिनट कुक करना है और जो ये हमारी स्पैगेटीज जो है रेडी हैं। इस तरह आप इसको सर्व करें और 10 मिनट भी नहीं लगते उसको बनाने में, सिर्फ अगर वेजिटेबल्स कट हुई हो। वेजिटेबल की भी हैक मैंने आपको बता दी किस तरह आप कट कर सकते हैं, जल्दी वो कटर ले लें और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी उससे गाजरें कट करने के लिए। दैट्स इट, बहुत मज़े के ये बनेंगे और आपको बहुत ही पसंद आएंगे। मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है तो उन्होंने मुझसे आज फरमाइश की कि दोबारा बनाया जाए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है रमज़ान में। आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।